नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ए टू जेड इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे आधार कार्ड कैसे डाउनलोड करना है। आधार कार्ड डाउनलोड करने के बाद ओपन करने के लिए पासवर्ड क्या डालना होता है, तो चलिए देखते हैं हम कैसे करना है आधार कार्ड डाउनलोड। सबसे पहले गूगल पर जाना है, गूगल पर UIDAI आपको सर्च कर लेना है। उसके बाद आपको फर्स्ट लिंक पर क्लिक करना है। लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके पास सामने भाषा आएंगी, आप जो भी भाषा में चूज़ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, तो मैं इंग्लिश में कर रहा हूँ। और यहाँ पे आपको जाना है, होम पेज खुल जाएगा, आपको जाना है माई आधार पर। माई आधार में जाने के बाद गेट आधार में डाउनलोड आधार, डाउनलोड आधार पे जाने के बाद आपके सामने एक पेज खुल जाएगा सर दोस्तों। उसके बाद डाउनलोड आधार पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये डिटेल भरने के लिए आ जाएगी। दोस्तों तीन तरह से आप डाउनलोड कर सकते हैं, आधार नंबर, एनरोलमेंट आईडी और वर्चुअल आईडी। दोस्तों आज हम देखेंगे आधार नंबर से, तो चलिए आज हम आधार नंबर से डाउनलोड करेंगे आधार कार्ड को। तो मैं आधार नंबर डाल देता हूँ। आधार नंबर डालने के बाद दोस्तों कैप्चा डालना होता है, K7D9NS डालने के बाद सेंड ओटीपी करने के बाद आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वह आपके ओटीपी आ जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर, उसे आपको एंटर ओटीपी की जगह क्लिक यानी कि पेस्ट कर देना है। जैसे कि मेरे मोबाइल पर ओटीपी गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ डालकर। मेरा ओटीपी है, दोस्तों वेरीफाई एंड डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कॉन्ग्रेचुलेशन का पेज खुल जाएगा। तो दोस्तों आपका आधार कार्ड डाउनलोड हो चुका है, राइट साइड में आपका जो आधार कार्ड वो डाउनलोड हो चुका है, उसे आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने पासवर्ड का ऑप्शन खुल कर आएगा। दोस्तों यह पासवर्ड मैं आपको बताता हूँ क्या डालना है। सबसे पहले आपको आपका जो भी नाम है उसके शुरू के चार लेटर डालने हैं। जैसा आपका नाम है संदीप, तो आपके शुरू के चार अक्षर हैं SAND, तो SAND दोस्तों डालना है कैपिटल में। और उसके बाद आपको डालना है डेट ऑफ बर्थ का ईयर, जैसे कि 1995, 1996 या 2000 या 2004, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो उसका सिर्फ ईयर डालना है लास्ट का। पासवर्ड डालने के बाद दोस्तों आपके सामने आधार कार्ड ओपन होकर आ जाएगा, तो आप दोस्तों इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। दोस्तों धन्यवाद, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम ऐसे ही वीडियो आगे लेकर आते रहें।